Welcome students, myself Muhammad Athar Ali and I'm here to teach you mathematics. So let's start. Students, आपकी exercise 4.4 most important exercise है. इसके each and every question की आपको practice बहुत अच्छे से करनी है ताकि आपको इसका desired objective हासिल हो सके. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस सिखाने जा रहे हैं कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा. ठीक है. अच्छा, इसके दो मेथड हैं, वर्टिकल मेथड और हॉरिजॉन्टल मेथड. अच्छा, वर्टिकल मेथड आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं. आज हम जो बात करेंगे वो हम फॉलो करेंगे हॉरिजॉन्टल मेथड को, और हॉरिजॉन्टल मेथड के थ्रू ही हम आपको मल्टीप्लीकेशन सिखाएंगे. एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्वेश्चन क्या किया है. क्वेश्चन ये है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, आपको दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दी गई हैं ब्रैकेट्स में और उनसे कहा है कि इनका प्रोडक्ट मालूम कीजिए. तो प्रोडक्ट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रूल फॉलो करेंगे, और से देखिएगा. और अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है आपको कि मल्टीप्लाई जब हम कर रहे होते हैं तो हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को फॉलो कर लेंगे. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हुए मल्टीप्लीकेशन यहाँ की जाएगी. टर्म को टर्म से और एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को फॉलो किया जाएगा. अब हमारे पास दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. दूसरी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. इस फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकेंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है. इसका मतलब ये है, इस सेकेंड एक्सप्रेशन की हर टर्म फर्स्ट एक्सप्रेशन की हर टर्म को मल्टीप्लाई करेगी. तो इसका जो पहला स्टेप होगा वो कुछ इस तरह बनेगा कि ए स्क्वायर जो सेकेंड एक्सप्रेशन का है वो फर्स्ट एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. सिमिलरली प्लस ए बी की बारी आएगी और ए बी भी जो है वो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेगा. इसी तरह हमारे पास बी स्क्वायर की टर्न आएगी, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेगा. अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को फॉलो करते हुए यह हम स्टार्ट करते हैं कि ए स्क्वायर जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो याद रखिएगा सेम बेसिस है, मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर्स क्या होती हैं, प्लस होती हैं, ऐड होती हैं. उसी रूल को हम फॉलो करेंगे, ए स्क्वायर जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो उसकी पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, 4. सिमिलरली ए स्क्वायर जब ए से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे ए स्क्वायर और ए सेम बेसिस हैं, मल्टीप्लाई होंगी तो इनकी पावर यहाँ पे हो जाएगी क्यू, और बी यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता ए स्क्वायर से, एज इट इज लिख दिया जाएगा. डिफरेंट टर्म वेरिएबल है इस वजह से. आगे बढ़ते हैं, ए स्क्वायर जब बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दिया जाएगा, बिकॉज दे आर डिफरेंट टर्म्स, इनमें चेंजेस नहीं आ सकते, बस ये साथ लिख दी जाएंगी. आगे बढ़ते हैं, इसी तरह ए बी जो है वो ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेगा, तो ए की पावर 2 और ए की पावर 1 जब मल्टीप्लाई हुई तो ए क्यूब बन गए और बी एज इट इज आ गया. प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर बन गया, और बी बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर बना, क्योंकि इनकी पावर्स ऐड हो गई. सिमिलरली प्लस 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 ए अपनी जगह एज इट इज आ जाएगा, बी की पावर 1 और बी की पावर 2 मल्टीप्लाई हुई तो यहाँ पे बी क्यूब बन गया, मीन्स ए बी क्यूब हो गया. इसी तरह आगे बढ़ते हैं, बी स्क्वायर जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, डिफरेंट टर्म्स है, मल्टीप्लाई में से दोनों साथ लिख दिए जाएंगे. प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर जब ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए तो एज इट इज लिखेंगे, लेकिन बी स्क्वायर और बी की पावर 1 मल्टीप्लाई प्लस हो जाएंगी तो बी क्यूब हो जाएगा, माइनस ए बी क्यूब. प्लस माइनस सॉरी प्लस 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 होगा, बी स्क्वायर जब बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो बी पावर 4 हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेप पे आते हैं. अब मल्टीप्लीकेशन तो हमने सेकेंड स्टेप में कर ली, अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे एड और सबट्रैक्ट की तरह. तो सिंप्लीफाई के रूल को फॉलो करेंगे, एड और सबट्रैक्ट के रूल्स को, कि पहले सेम वेरिएबल्स को एक जगह गैदर किया जाएगा. यहाँ पे हम चेक करेंगे ए पावर 4 जैसी
सेम टर्म या सेम वेरिएबल कहीं मौजूद है नहीं है तो इसको एज इट इज लिख दिया। सिमिलरली माइनस ए क्यूब बी, माइनस ए क्यूब बी जैसी कोई टर्म मौजूद है यहाँ पर मैं चेक करूंगा, अगर मौजूद है तो मैं यहाँ लिख दूंगा, मुझे मिल गई ए क्यूब बी प्लस की, तो प्लस ए क्यूब बी लिख दिया। इसी तरह प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर जैसी जितनी टर्म्स हैं वो सारी एक साथ अरेंज हो जाएंगी, ए माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, प्लस ए बी क्यूब, ए बी क्यूब जैसी दूसरी टर्म हमारे पास है माइनस ए बी क्यूब। अब हमारे पास सारी टर्म्स अरेंज हो गई हैं सिवाय बी पावर फोर के, तो बी पावर फोर को हम लास्ट में अरेंज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ए पावर फोर एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे माइनस प्लस माइनस, ए क्यूब बी में से ए क्यूब बी माइनस क्या है, इट मीन्स ये दोनों आपस में क्या हो गए कैंसिल। इसी तरह प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो दोनों आपस में माइनस हुए एक दूसरे से कैंसिल हो गए। आगे बढ़ते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज लिखूंगा यहाँ पर मैं। आगे बढ़ते हैं, प्लस ए बी क्यूब माइनस ए बी क्यूब, ये दोनों भी आपस में माइनस हो रहे हैं तो एक दूसरे से कैंसिल हो गए। अब हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, बी पावर फोर। सो द प्रोडक्ट ऑफ दीज एक्सप्रेशन इज ए पावर फोर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पावर फोर, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ ओके स्टूडेंट्स, आज का आपका होमवर्क है डू ऑल पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 के जितने रिमेनिंग पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 7 में वो आपको ऐसा होमवर्क करने हैं अपने रजिस्टर्स में, और जो क्वेश्चन आपको हमने नोट एक्सप्लेन किया है लेक्चर में उसको भी आपको अपने रजिस्टर में नोट डाउन करना है। थैंक यू।